एक राज जो 31 साल बाद बेपर्दा होगा, एक राज जो सबसे बड़ा रहस्य है, एक राज जिसमें छुपा है नेताजी की मौत का सच। वो राज अब खुलने वाला है, अब सामने आएंगी उस अनजान शख्स की अनदेखी चीजें जिसे कहते थे गुमनामी बाबा। वो गुमनामी बाबा जो कभी किसी के सामने नहीं आए, वो गुमनामी बाबा जिनसे लोग रात के अंधेरे में मिलने आते थे, वो गुमनामी बाबा जो पर्दे के पीछे से बात करते थे, अब उनके घर से मिली हर चीज संग्रहालय में संजोई जाएगी। वो हैंडराइटिंग भी सामने आएगी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलती थी। उसके बाद शायद इस सवाल का जवाब मिल जाए, क्या सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा थे? जी हाँ, गुमनामी बाबा ये उस शख्स का नाम है जो हमेशा गुमनामी में रहा, अंधेरे की जिंदगी जीता रहा, लेकिन अपनी मौत के बाद ऐसा सामने आया कि आज तक उसे कोई भुला नहीं पाया और ना ही आगे कभी भूल पाएगा, क्योंकि इस गुमनामी बाबा का नाम जुड़ा है हिंदुस्तान के सबसे महान नेताओं में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। कहा जाता है कि गुमनाम जिंदगी जीने वाले बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे जो कभी किसी के सामने नहीं आए, लेकिन अब हाईकोर्ट की पहल और यूपी सरकार की हरी झंडी के बाद गुमनामी बाबा के सामानों को खोला जाने लगा है ताकि इस राज से पर्दा हट सके कि क्या गुमनामी बाबा ही थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फैजाबाद के गुमनामी बाबा के गुमनाम जिंदगी को दुनिया के सामने लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। गुमनामी बाबा जो कभी किसी के सामने नहीं आए, अब उनसे जुड़ी हर एक चीज सामने आएगी, साथ ही सामने आएगा वो सच जो सबसे बड़ा रहस्य है कि क्या गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद फैजाबाद में गुमनामी बाबा का सामान खोला जाने लगा है, सामान को संग्रहालय में रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुमनामी बाबा के 3 बक्सों को अब तक खोला जा चुका है और बाकी के सामान को बेहद ही कड़ी सिक्योरिटी के बीच संरक्षित किया जा रहा है। क्योंकि बड़ा कार्य है और चूंकि सूक्ष्म वस्तुएं भी हैं और इस पूरी प्रक्रिया में हम लोग इतनी ज्यादा सहूलियत बरतेंगे कि कोई छोटा सा भी आइटम किसी भी तरह से दृष्टि से ओझल ना हो सके। जानकारी के मुताबिक जो सामान खोला गया है उनमें 3 अंग्रेजी की किताबें, 2 बांग्ला की किताबें, रुद्राक्ष की माला, कुछ पैकेट मच्छर की दवाएं, काली मिर्च के पैकेट मिले हैं। इसके अलावा जो बॉक्स नहीं खोले गए हैं उनमें माना जा रहा है कि घड़ी के पैकेट और वो गोल चश्मा है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहनते थे। हाईकोर्ट ने इन सामान को खोलने के आदेश दिए तो उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने रामकथा संग्रहालय में बाबा से जुड़ी हर चीज को सहजने की सहमति दी है। ये सामान पहले यहाँ से ट्रेजरी में ही इसका पूरा वेरिफिकेशन होगा, प्रशासनिक समिति एक पूरा इसकी इन्वेंटरी बना करके एक जो तकनीकी समिति शासन को के द्वारा निर्धारित की गई है उसको दे देंगे, उसके बाद एक संग्रहालय में इन्हें प्रदर्श के रूप में रखा जाएगा और जहां पे इन्हें प्रदर्श के रूप में रखा जाएगा वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। फैजाबाद में सालों तक गुमनामी बाबा के संपर्क में रहने वाले लोग बताते हैं कि बाबा भी अपना जन्मदिन 23 जनवरी को ही मनाते थे, जिस दिन नेताजी का जन्मदिन होता है। गौरतलब है कि गुमनामी बाबा के नेताजी होने के एक नहीं बल्कि कई सबूत सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ा सबूत है कागज पर लिखी गई ये लिखावट जो इशारा करती है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। इस बात पर मुहर उस वक्त के मशहूर हस्तलिपि एक्सपर्ट बी लाल कपूर ने भी लगाई। गुमनामी बाबा और नेताजी दोनों की लिखावट को देखकर उन्होंने दावे से कहा कि ये एक ही इंसान की लिखावट है। अब इस तस्वीर को देखिए, बाई ओर नेताजी की लिखावट है और दाई ओर गुमनामी बाबा की। बी लाल कपूर ने यह पाया कि कुछ लोग लिखते समय चिन्ह लगाते हैं, ऐसे ही चिन्ह दोनों की लिखावट में देखे गए। इस लिखावट को देखिए, दोनों ही तस्वीरों में कुछ लिखने के बाद अंडरलाइन करने का अंदाज बिल्कुल एक जैसा है जो कि अमूमन देखने को नहीं मिलता।
इसके अंदर ज्यादातर तो किताबें हैं और किताबों में उनकी भगवान जी की हैंड राइटिंग है, इंग्लिश में है, बंगला में है, हिंदी में है। वो उसकी मैच करवाया गया था जब जस्टिस मुखर्जी कमीशन इंक्वायरी चल रही थी, तो उसमें निकल के आ गया था कि ये हैंड राइटिंग सुभाष बोस की हैंड राइटिंग से मैच कर रही है पूरी की पूरी। कहते हैं इस बात की खबर बाबा को भी थी, इसलिए उन्होंने अपनी लिखावट बदलने की कोशिश की और शब्दों को कैपिटल लेटर्स में लिखना शुरू कर दिया। भगवान जी की मौत के बाद उनके घर से मिले सामान ने सभी को चौंका दिया था। उनके घर में रोलेक्स की महंगी घड़ियां मिली, विदेशी सिगार लाइटर मिले। नेताजी की मौत से जुड़ी अखबारों की कटिंग्स मिली। उनके लिए पश्चिम बंगाल से खासतौर पर अखबार आया करते थे। और तो और उनके कमरे से मिली नेताजी के माता पिता की तस्वीर। सवाल उठता है अगर गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे तो फिर नेताजी के माता पिता की तस्वीर का एक साधक के घर पर क्या काम। 2000 के आसपास ऑब्जेक्ट उन्होंने इस्तेमाल किए थे, उसमें से सिगार तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक स्मोकिंग पाइप जरूर अवेलेबल है। और जस्टिस मुखर्जी जब वहां गए थे 2001 में जब इंक्वायरी चल रही थी, तो उनका इरादा था कि उनके सिगार से, स्मोकिंग पाइप से शायद उनका सलाइवा लगाओ, थूक लगाओ, शायद उससे कुछ डीएनए मिल जाए। गुमनामी बाबा के घर से ये पत्र भी मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। ये पत्र था तब के आरएसएस प्रमुख माधव गोलवरकर का। पत्र से पता चला कि भारत की सबसे बड़ी संस्था चलाने वाले गोलवरकर एक ऐसे इंसान से आदेश ले रहे हैं जो गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। एक नहीं दो नहीं कई चीजें ऐसी हैं जो दर्शाती हैं कि फैजाबाद में छिपकर रहने वाले साधु ही नेताजी थे। उनकी मौत के बाद जितनी भी चीजें उनके घर से मिली वो सब नेताजी से मेल खाती हैं। आपको बताते हैं आखिर क्यों गुमनामी बाबा को जानने और करीब से देखने वाले लोग कहते हैं कि वही नेताजी थे। फैजाबाद के इसी घर में गुमनामी बाबा ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल बिताए। पर सवाल उठता है कि आखिर उन्हें इस घर में कौन लाया था। तो सुनिए इस घर के मालिक क्या कहते हैं। एक अनजान बाबा हमारे घर में आए और एक डॉक्टर आरपी मिश्रा साहब उनको अपना ग्रैंडफादर बता के लाए थे कि मेरे ग्रैंडफादर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, अयोध्या में रहते हैं, देखभाल हमें करनी पड़ती है, तो अगर यहाँ जाएंगे तो हमको देखभाल करने में सुविधा हो जाएगी, ये कह के वो यहाँ पर लाए थे। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि हमने कहा अगर आपके बाबा हैं तो अपने घर में आप क्यों नहीं रखते उनको। तो उन्होंने कहा भाई उन्होंने सन्यासी जीवन ले लिया है और अब वो आध्यात्म में ही रहते हैं तो वो घर नहीं रह सकते। राम भवन के मालिक शक्ति सिंह कहते हैं कि डॉक्टर आरपी मिश्रा उन्हें इस घर में अपने ग्रैंडफादर बताकर लाए थे। पर सवाल था कि आखिर डॉक्टर आरपी मिश्रा कौन है। न्यूज 24 की टीम ने उन्हें भी खोज निकाला। यही है डॉक्टर आरपी मिश्रा जो इस वक्त करीब 92 साल के हैं। वो बात कर पाने की हालत में नहीं थे। ऐसे में उनके बेटे अलख मिश्रा ने बताया कि गुमनामी बाबा के घर का किराया उनके पिता ही देते थे। अयोध्या में थे पहले वो, और अयोध्या में बहुत से संत महात्मा लोग रहते थे, मगर चूंकि उनका लगाव उनसे था और कुछ बीमार भी थे तो ये एज ए डॉक्टर के नाते उनको देखने वहां जाते थे। फिर उन्होंने कहा कि ये मंदिर का शंकर जी का एक मंदिर है काफी पुराना, उसका नाम लखनऊ कोठी, करेक्ट। फिर वहां से उनको यहाँ राम भवन में शिफ्ट किया गया था, लेकर के आए थे और उसका हम लोग रेंट भी पे करते थे। अब सवाल था कि आखिर फैजाबाद के इस घर के पहले गुमनामी बाबा कहाँ रहते थे। न्यूज 24 रिपोर्टर अशोक तिवारी उस घर तक भी पहुंच गए। उन दिनों भी ऐसा कुछ होता था जिससे शक पैदा होता है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। स्थानीय लोग इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि जब गुमनामी बाबा सरस्वती देवी के साथ लखनऊआ हाता में रहने के लिए आए तो इस जो प्रॉपर्टी के मालिक थे पंडित राम किशोर पांडा जी, उनसे उन्होंने कहा था कि आप नंद बाबा हैं और आपकी पत्नी यशोदा माँ है और उनकी हिफाजत ठीक उसी तरह से करें जिस तरह से श्रीकृष्ण भगवान की नंद बाबा और यशोदा माँ ने हिफाजत की थी। लेकिन शक की घड़ी तब आती है जब 23 जनवरी को कलकत्ता और उसके आसपास के लोग गुमनामी बाबा से मिलने के लिए आते हैं, तमाम तरह के जो मिष्ठान है वो लाए जाते हैं और इसके अलावा जो टेलीग्राम आता था 23 जनवरी से पहले उसमें उनकी जन्मदिन की बधाई को लेकर भी कई सारे ग्रीटिंग्स देखने को मिलते थे। गुमनामी बाबा से जुड़े अब भी कई ऐसे राज हैं जो इशारा करते हैं कि आजादी के
38 साल बाद तक जिंदा थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। न्यूज 24 पर आज आप उस डाकिये से भी मिलेंगे जो गुमनामी बाबा तक उनके खत पहुंचाया करता था। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर कौन गुमनामी बाबा के लिए बंगाली डिश बनाकर ले जाया करती थी। धर्मेंद्र ठाकुर और अरविंद के साथ अशोक तिवारी, फैजाबाद, न्यूज 24। और इस बीच कुछ और लोग भी सामने आए हैं जो कहते हैं कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उनकी बात भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुमनामी बाबा से जुड़ा एक एक सच चौंकाता है। कुछ और लोग हैं जो सामने आए हैं और कहते हैं कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इस रिपोर्ट को देखिए। गुमनामी बाबा का नाम था भगवान जी। भगवान जी एक ऐसे साधु का नाम था जिनका अस्तित्व साबित करना उनके शिष्यों के लिए भी टेढ़ी खीर था। वो एक पर्दे के पीछे से बातें करते थे और रौबदार आवाज ही उनके शिष्यों के लिए उनकी एकमात्र पहचान थी। यही शिव प्रसाद। शिव प्रसाद उस वक्त डाकिया थे। उन्होंने गुमनामी बाबा की आवाज को करीब से महसूस किया था। तुमने आवाज दिया कि आपका टेलीग्राम है महाराज जी, ले लीजिए। दरवाजा खोलिए, हमारे मुंह से निकल गया, दरवाजा खोल दीजिए। तो उसी पे उनको आवेश आया, बहुत तेज, हमको बहुत तेज डाकी, इतना तेज आवाज में बोले कि हमको थोड़ा सा मई जून का महीना था, पसीना आ गया। धीरे धीरे ये सुबुगाहट शुरू हुई कि काल्पनिक इंसान कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस है। कई लोगों ने इसे बेहद करीब से देखा है और उन्हीं में से एक है रीटा बैनर्जी। रीटा बैनर्जी वो महिला है जो गुमनामी बाबा के लिए बंगाली डिश बनाकर ले जाया करती थी। उन्होंने अपने ससुर की पहली बार नेताजी से मिलने का किस्सा भी सुनाया। आप चले जाते हैं ऐसे यार, माता जी बोली तो बोले सुनो तो आज हम किससे मिलकर आए हैं, किससे मिलकर आए हैं? अरे आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलकर आए हैं। हम लोग सब एकदम शॉक्ड, नेताजी सुभाष चंद्र कहाँ? फिर बैठे, खाना वाना सब भूल गए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आई थी माता जी और वो हमको लेकर गई, और फिर वो पर्दे के पीछे से बात करते हैं, बट उन्होंने हमको अलाउ किया क्योंकि उन्होंने बुलाया था, उनको उनकी तबीयत खराब थी। नेताजी का जन्मदिन 23 जनवरी को होता है। फैजाबाद में सालों तक गुमनामी बाबा के संपर्क में रहने वाले लोग बताते हैं कि बाबा भी अपना जन्मदिन इसी तारीख को मनाते थे। फैजाबाद के गुप्तार घाट में गुमनामी बाबा की समाधि मौजूद है जहां मौत की तारीख पर सवालिया निशान लगा हुआ है। फैजाबाद के इसी गुप्तार घाट पर गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार किया गया था। हालांकि ये कैंट इलाका है और यहां पर आमतौर पर अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, लेकिन गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार इसी गुप्तार घाट पर किया गया है। ये तस्वीरों में आप सामने देख पा रहे होंगे कि ये गुमनामी बाबा की समाधि बनी हुई है जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवान जी। इसके अलावा सबसे खास बात यह भी है कि इस समाधि पर गुमनामी बाबा की जन्म की तारीख 23 जनवरी लिखी हुई है, और हैरानी इस बात को भी लेकर है कि 23 जनवरी को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जन्मदिन मनाया जाता है। इसके अलावा इस समाधि पर जो मृत्यु की तारीख है वहां पर तीन सवालिया निशान लगे हुए हैं, यानी कि गुमनामी बाबा की इस समाधि पर मृत्यु की तारीख अंकित नहीं की गई है। ठीक इसी तरीके से गुमनामी बाबा का जीवन भी रहस्य और सवालों के घेरे में है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र ठाकुर और अरविंद के साथ अशोक तिवारी, फैजाबाद, न्यूज 24। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। यहां एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोपहर 2 बजे की हेडलाइंस।